साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको गाय का जो पाचन तंत्र है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। गाय और भैंस के पाचन तंत्र में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों सेम से होते हैं। तो अगर आप गाय का समझ लेंगे तो उसी हिसाब से भैंस का भी समझ लेंगे। गाय के पाचन तंत्र की अगर बात करें तो उसमें कई अंग होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको उसके पेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। पेट, हम अगर हमारे पेट की बात करें तो वो एक ही होता है, स्टोमक, यानी एक ही थैला होता है जिसमें पाचन होता है। लेकिन गाय भैंस में ये थैले चार हिस्सों में बने हुए रहते हैं, यानी यूँ कहूँ नॉर्मल भाषा में तो ये हिस्से चार होते हैं, और उनमें से जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो होता है रूमन, जो आप ये देख पा रहे हैं। रूमन, यहाँ पर इसको मैं सही सेट करूँ तो ये रूमन है, जो सबसे बड़ा हिस्सा आपको दिख रहा है, ये रूमन जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ये जो रेड लाइनिंग मैंने की है, ये रूमन है सबसे बड़ा हिस्सा। और अगर रूमन की कैपेसिटी देखें तो कम से कम इसकी 100 लीटर की कैपेसिटी होती है, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी रूमन की होती है, इतना बड़ा रूमन होता है। और इसे हम अगर देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड में होता है, यानी गाय की लेफ्ट साइड में। आपने देखा होगा कभी जब आफरा आता है तो पेट किधर से फूलता है, लेफ्ट हैंड साइड से फूलता है, यानी कि लेफ्ट साइड में रूमन रहता है और रूमन में ही गैसेस बनती है, और वो गैस जब बनती है तो आफरा आता है। तो सबसे बड़ा हिस्सा रूमन का होता है, लेकिन ये जो रूमन है वो छोटे बच्चों में विकसित नहीं होता है। 3-4 महीने का जब तक बच्चा होगा ना तब तक रूमन विकसित नहीं होता, उसमें छोटा होता है। यानी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो टोटल अगर 100 लें तो उस 100 में से बच्चों में 15% ही होता है, जबकि बड़े जानवरों में 57% होता है। जैसे गाय भैंस बड़ी हो गई है, 5 महीने का जो भी बच्चा है वो 5 महीने का हुआ, 8 महीने का हुआ, 10 महीने का, तो जो ही 5 महीने का होगा उसमें पूरा रूमन डेवलप हो जाता है। यानी अगर पेट को 100% लें तो रूमन 57% हो जाता है, छोटे बच्चों में 15% रहता है। तो ये पहला हिस्सा सबसे बड़ा होता है, वो होता है रूमन का। जो भी पशु चारा खा रहा है उसे सर्वप्रथम रूमन में ही ले जाया जाता है, फिर वहाँ से फिर जुगाली के लिए आता है और फिर से रूमन में चला जाता है। रूमन में माइक्रोफ्लोरा होते हैं, सूक्ष्म जीव, जो कि सेलुलोज का पाचन करने का यानी भोजन को पचाने का काम करते हैं। और यही भिन्नता हम में और जानवरों में होती है कि उनमें माइक्रोफ्लोरा होते हैं, वो घास को भी पचा लेते हैं, हम नहीं पचा पाते क्योंकि हमारा जो पेट है उसमें माइक्रोफ्लोरा नहीं होते। तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो रूमन जो आप देख रहे हैं। इसके बाद सेकंड एक हिस्सा और होता है जिसे हम बोलते हैं रेटिकुलम। ये रूमन एक नंबर पर हम ले सकते हैं, रेटिकुलम को हम 2 नंबर देंगे, यानी 2 नंबर पर रेटिकुलम रहेगा, ठीक है। तो रेटिकुलम 2 नंबर पर रहेगा, और रेटिकुलम का काम क्या है, ये रूमन के आगे ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ मैं थोड़ा सा अलग कलर ले लेता हूँ, ब्लैक तो ऑलरेडी है, ये कलर ले लेता हूँ। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है रेटिकुलम, और रेटिकुलम के ऊपर से या अंदर से चारा जब निकलता है खाया हुआ, तो उसमें जितने भी कोई फॉरेन बॉडी है जैसे लोहे की चीज़, कोई भी कंकर पत्थर वगैरह, ये सब इसके अंदर रह जाते हैं। अगर आप निवेदन करेंगे तो मैं एक एक पार्ट का पूरा विवरण अलग अलग वीडियो में समझाऊंगा, ये एक ही वीडियो में संभव नहीं है। तो सेकंड पार्ट हो गया, वो हो गया रेटिकुलम, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट है, पहला रूमन, दूसरा रेटिकुलम, और तीसरा यानी कि भोजन रूमन में आने के बाद रेटिकुलम के थ्रू जहाँ पर जाएगा वो हिस्सा है उमेजम। यानी तीसरे नंबर पर जो पेट आएगा वो हम उमेजम को लेंगे, उमेजम तीसरे नंबर पर आता है। अगर यहाँ एक इस पिक में लें तो ये हिस्सा, ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ये हिस्सा जो है ये हिस्सा जो है वो हिस्सा है एबोमेजम, ये सॉरी उमेजम। और उमेजम में जो मेनली काम होता है वो पेस्ट बनाया जाता है, यानी पानी जो है एक्स्ट्रा पानी को सोख लिया जाता है और भोजन को एक पेस्ट के रूप में बना दिया जाता है, और वो पेस्ट जो है वो आगे एबोमेजम में जाता है। एबोमेजम ही वास्तविक पेट होता है, चौथे नंबर पे आएगा एबोमेजम, ये एबोमेजम ही वास्तविक पेट होता है,
यानी वास्तव में पेट यानी कि जो पाचन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देता है वो होता है एबोमेज़म, और हमारा जो स्टोमक है, हमारा पेट, उसी तरीके से एबोमेज़म काम करता है। यानी हमारे पेट की तरह ही ये काम करता है एबोमेज़म, इसमें पाचन होता है कम्प्लीटली। तो ये सारे जो चार हिस्से हैं वो इस प्रकार से रहते हैं। प्रकृति ने पशुओं को चार हिस्से क्यों दिए? पहले क्या होता था कि जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा डर था, तो गाय भैंस जब भी बाहर निकलती थी इन्हें बहुत ही कम मौका मिलता था चारा खाने का, घास खाने का, क्योंकि इन्हें डर रहता था। तो जब भी थोड़ा बहुत मौका मिलता ये फटाफट खा लेती और फिर घर आकर के या सुरक्षित जगह आकर के और फिर चबाती, और उस चबाने की जो प्रक्रिया है उसे जुगाली करना कहते हैं। जुगाली से रिलेटेड हमने कई वीडियोस बनाए थे, जुगाली करने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं, जुगाली कैसे करते हैं, ये सारी बातें हमने अलग अलग वीडियोस में बताई थी। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो हमें कमेंट करें, आप सभी के कमेंट्स पढ़े जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आगे के वीडियोस होते हैं। तो जो भी चारों पार्ट मैंने अभी आपको नाम बताया है और लाइटली इनका जो काम बताया है, अगर आप कहेंगे तो इनके लिए हम अलग अलग वीडियोस बना देंगे जिनमें हम डिटेल में एक एक पार्ट को आपको समझाएंगे। तो उमेज़म को हम लेते हैं एक अलग कलर में, ये हो गया आपके उमेज़म, ले हो गया उसके बाद एबोमेज़म जो कि ट्रू स्टोमक है। ये टोटल जो पार्ट होते हैं उनका बस 11% ही एबोमेज़म होता है, और छोटे बच्चों में एबोमेज़म की साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी 49%। जब भी बच्चा जन्म लेता है उस समय लगभग 49% यानी आधा हिस्सा, पूरे पेट का आधा हिस्सा एबोमेज़म होता है, तभी वो दूध को अच्छी तरीके से पचा पाता है। और रूमन उस समय सिर्फ और सिर्फ 15% होता है, जबकि बड़े जानवरों में रूमन जो है वो बड़ा हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो टोटल जो पेट है उसका 57% हिस्सा ले लेता है, 57% रूमन अकेला ही, और बाकी जो है वो ये जो आप देख रहे हैं एबोमेज़म सिर्फ 11% बचता है। और दूसरे जो पेट है, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, यानी रेटिकुलम और उमेज़म, ये रेटिकुलम जो होता है वो 7-8% ही होता है, बड़े जानवरों में पूरे पेट का 7% होता है, तो छोटे जानवरों में 8% होता है, यानी ये जो है इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होता। इसी प्रकार से हम अगर उमेज़म की बात करें तो उमेज़म में भी ज़्यादा बदलाव नहीं होता। उमेज़म जो बड़े जानवर हैं उनमें तो रहता है लगभग 27% के आसपास, यानी 25 से 26-27 तक रहता है, और जो छोटे हैं उनमें 28% के आसपास रहता है, यानी इसमें भी बदलाव नहीं होता छोटे जानवरों में बड़े जानवरों में। लेकिन मेनली जो बदलाव होता है वो रूमन का और एबोमेज़म का होता है, और इनमें भी मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा चेंजेस दोनों में होते हैं, दोनों में जो चेंजेस होते हैं बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देखें तो शुरुआत होती है ग्रास नली से, हालांकि पाचन तंत्र हम अलग भी पढ़ सकते हैं, ग्रास नली जो आपको ये दिख रही है ये, इसके बाद ग्रास नली से शुरुआत होगी, ठीक है, और ये चारों पेट आएंगे, ग्रास नली जिसे हम इसोफेगस बोलते हैं, फिर ये चारों पेट आएंगे, चारों पेट आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी यानी कि छोटी आंत, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आएगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ये दोनों ही प्रमुख हिस्से होते हैं, इन दोनों को मिलाने वाला जो बीच का जोड़ है उसे हम सिक्कम बोलते हैं। तो किसी अन्य पिक को लेकर के और हम आपको पूरा पाचन तंत्र समझाएंगे। इस वीडियो में हमारा उद्देश्य था पेट के बारे में, यानी कि जो पशुओं का पेट होता है उसके कितने हिस्से होते हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे।